नागौर देवता। जी हां, कुछ लोग एक पेड़ के सांप को देवता मान रहे हैं और जानकार इसे बता रहे हैं अंधविश्वास। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक गांव में नाग देवता के खास दर्शन। दूर दूर से देखने आ रहे हैं लोग। घंटों कर रहे हैं बारी का इंतजार। कई लोगों पर दिखा अजीब असर। करने लगे अजीब हरकतें। कई भक्तों ने मांगी मुराद। पंडा ने बताई नाग देवता की बात। सिवनी से 100 किलोमीटर दूर का इलाका लखनादौन, जहां हामिदगढ़ के जंगल में रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट रही है। कहा जा रहा है कि यहां एक पेड़ के पास नाग देवता प्रकट हुए हैं, जिनसे आने वाले लोग मुराद मांग रहे हैं। यहां आने वाले लोगों के अजीब भाव आ रहे हैं, जिसके बाद वो अजीब हरकतें कर रहे हैं, लेकिन लोग उसे भी नाग देवता के चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं। नाग देवता तो सदा दिखते हैं। हर दिन दिखते हैं। कितने बजे दिखते हैं? अभी जितनी बेर भावना लगा के देखो उतनी बेर दिखते हैं। अच्छा, हर दिन लोग यहाँ पे आ रहे हैं? हर दिन लोग, बहुत भीड़ लगी है जब से महाराज आए, जब बहुत बहुत भीड़ लगी। आए बंदे से बढ़िया और धूम धूप ले महाराज, मंत्र द्वारा दे शांत महाराज। शेर सिंह की बात को माने तो कुछ दिन पहले जब वो जंगल में आया था तो उसे पेड़ से नाग नागिन का जोड़ा निकलता दिखाई दिया। उसके कुछ वक्त बाद वो जोड़ा अदृश्य हो गया। कुछ दिन बाद फिर नाग देवता के दर्शन हुए। उसने इस बात की चर्चा जब गांव वालों से की तो उन्होंने इसे चमत्कार माना। इसके बाद यहां पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया। आसपास के गांव से भी लोग नाग के दर्शन करने आने लगे। कोई मुराद लेकर यहां आया तो कोई परेशानी लेकर। पंडा का कहना है यहां आने के बाद ही कई भक्तों को फायदा हुआ है। सैकड़ों लोगों के आए, उनको कैसे ठीक किया गया? वो सब मंत्र द्वारा ठीक किया गया, भोलेनाथ के मंत्र। अभी जहाँ पूजा का स्थान वहाँ पे नागदेव महाराज थे, वो हमेशा रहते हैं? स्वयं पे हमेशा रहती है, हमेशा दिखा रहे हैं। कितने लोगों के यहाँ से आराम लगा है?
अब कई आदमी हो गए साहब, हजारों लोग हजारों संख्या हो गई, अब क्या बताएं कौन कितने की ध्यान दे। क्या मेहरबान लोग आए थे उनको कैसे ठीक किया, उनको जिस हिसाब से हमारा पटा का आधार से जिस मंत्रों से ठीक किया जाता है उसी मंत्रों के आधार से उन्हें ठीक किया गया। उनकी संख्या में मेरे यहाँ आई, उनको मंत्रों के द्वारा ठीक किया गया, उसी आधार में हम और आगे का भी प्लान जो हमसे बनेगा वो करेंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि नागनागिन का इस तरह दिखना कोई सामान्य घटना नहीं है, पेड़ पर इस जोड़े के दिखाई देने से लोगों की आस्था बढ़ी है, इसलिए दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। एक महीना पहले नाग देवता का जोड़ा देखा गया, उस जोड़ा को देखते हुए लोग भागों में दर्शन की भावनाएं उमड़ी, भक्ति की भावनाएं उमड़ी, उसको देखते हुए लगातार लोगों की भीड़ की कतार बढ़ते गई, बढ़ते बढ़ते पूजा अर्चना भी बढ़ते गई। नाग सेला का भी आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 गांव के लोग वहाँ दर्शन के लिए आए, भीड़ भाड़ भी आपने भी स्वयं देखा, साक्षात में भी नाग देवता के दर्शन हुए, यह छोटे रूप में भी हुआ बड़ा रूप में भी हुआ। लोग जो भी कहें लेकिन जानकारी से अंधविश्वास ही मानते हैं, यहां आकर फायदा होने की बात कहने वालों को वहम का शिकार बताते हैं। जानकारों के मुताबिक जंगल या पेड़ के पास किसी सांप या नाग का होना बेहद सामान्य घटना है, इलाके के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर यहाँ बाकी लोगों का वहम दूर करना चाहिए। के लिए सिवनी से तिलक सिंह जाटव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।